हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय न्यू ब्लॉग दोस्तों, एंड गुड इवनिंग सभी को। और अभी ड्यूटी से हम आ गए हैं, और चलिए आप सबको दीपाली से मिलाते हैं। दीपाली का थोड़ा तबीयत खराब हो गया है और दो तीन वोमिटिंग कर दी है आने से पहले। अभी तो हम आए हैं और आए तो एक दो वोमिटिंग कर दी। तो चलिए पहले दीपाली को कुछ दवा दे देते हैं। दवा तो रखा हुआ है, पहले से ही दवा रखा हुआ था, सर्दी का, बुखार का, ये सब का दवा एक्स्ट्रा में रखे रहते हैं, क्योंकि कुछ तबीयत वबीयत खराब हो गए तो देने के लिए होता है। तो अभी चलिए दवा ववा दे देते हैं, उसके बाद फिर आप सबसे मिलते हैं, ठीक है? इधर देखिए दीपाली का तबीयत खराब हो गया है और दो तीन उल्टी भी हो गया। अभी देखिए दवा खा रही है दीपाली, लगता है आइसक्रीम खाने से हुआ है दीपाली को। कल हम ही आइसक्रीम लेके आए थे, हमको बदनाम कर रही है दीपाली, कर रही है कि आप ही आइसक्रीम लाए तब ना हम खाएं, आप नहीं लाते तो हम खाते हैं। सॉरी बेटा, आप नहीं लाएंगे आइसक्रीम। गरम पानी पी लो, गरम पानी। ठीक है, अब आइसक्रीम नहीं लाएंगे। टैक्सी में उसे रखला दीजिए। देखिए दोस्तों, दीपाली को बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया है, चॉकलेट भी। ठीक है, हम नहीं लाएंगे चॉकलेट। दीपाली आप सबसे कुछ बोलना चाहती है? क्या हुआ बेटा, बता क्या हुआ? एकदम पूरा उदास बैठी हुई है, कुछ बात करने का मन नहीं कर रहा। दीपाली को दवा वबा दिला दिए हैं, अब थोड़ा रेस्ट कर रही है दीपाली। तो चलिए आप सबको कुछ बता देते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बात ग्रुप डी के बारे में। रेलवे ग्रुप डी है, उसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप सबको बताना भूल गया था और याद भी नहीं था, इतना वीडियो में बना दिया, लेकिन उस चीज़ के बारे में मैं बताना भूल गया था। और जो भी भाई ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करेंगे, अगर उनको ये पोस्ट मिल गया है तो बहुत ही अच्छी खबर है उनके लिए और बहुत अच्छा पोस्ट है। तो चलिए उसी के बारे में मैं आप सबको बताने वाला हूँ। और ये भी ग्रुप डी के ही अंडर में आता है, और उसमें भी ग्रुप डी के कर्मचारी वर्क करते हैं, काम करते हैं। ये सबसे अच्छा जॉब है जो ग्रुप डी का ये पोस्ट है, मैं आप सबको बताने वाला हूँ। ये सबसे बढ़िया पोस्ट है, और जितना भी ग्रुप डी में पोस्ट है सबसे अच्छा है। चलिए हम उसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए मैं आप सबको बताता हूँ। और जो भी भाई को ये पोस्ट मिला है, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि हमको पोस्ट मिला है, और कमेंट करिएगा कि ये पोस्ट हमको मिला है। अन्य जिनको नहीं मिला है, बाद में मिलेगा तो फिर बताइएगा, ठीक है? तो चलिए आप सबको बताते हैं कि कौन सा पोस्ट है ग्रुप डी का, और आप सबको अभी तक नहीं बताए हैं। और एक भाई कमेंट किए थे दोस्तों कि RWF का क्या मतलब होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। और मेरा भी पोस्टिंग उसी में हुआ है, और उसमें क्या वर्क रहता है, क्या क्या करना पड़ता है, तो थोड़ा वीडियो के माध्यम से बताइए। तो चलिए थोड़ा बता देते हैं, और जो मैं बताने वाला था वो भी मैं आप सबको बताऊँगा। तो पहले ये बता देते हैं कि RWF का मतलब क्या होता है। RWF का मतलब हुआ रेल व्हील फैक्ट्री, जहाँ पे जो रेल का चक्का रहता है, व्हील रहता है, जहाँ पे वो बनता है, वहीं पे उनका पोस्टिंग हुआ है, और उसी में असिस्टेंट के रूप में उनका वो पोस्टिंग हुआ है। जितने भी असिस्टेंट का वर्क रहता है वो ग्रुप डी के अंडर में आता है, और उसमें जैसे बिल्डर हो गया, चाहे लोहार हो गया, चाहे कारपेंटर हो गया, चाहे पेंटर हो गया, ये सब बहुत सारा उसमें पोस्ट रहता है। और उनके नीचे ये जो असिस्टेंट रहते हैं उनके अंडर में वर्क करते हैं। तो ये फैक्ट्री, एक तरफ से फैक्ट्री हो गया, इसमें उनका पोस्टिंग हुआ है। और जो मैं आप सबको बताने वाला हूँ, तो चलिए ये मैं आप सबको बताता हूँ
कि ग्रुप डी में एक और पोस्ट कौन सा है। ग्रुप डी में एक और पोस्ट ये है असिस्टेंट का, जैसे वर्कशॉप का काम हो गया, वर्कशॉप में मालगाड़ी का कोच बनता है, चाहे पैसेंजर का कोच बनता है, चाहे जो सुपर फास्ट गाड़ी रहता है उसका कोच बनता है, तो ये सब वर्कशॉप में बनता है। वर्कशॉप में बहुत सारा कर्मचारी रहते हैं, उसमें ग्रुप डी के कर्मचारी रहते हैं, उसमें टेक्नीशियन रहते हैं, उसमें पेंटर रहते हैं, बहुत सारा कर्मचारी रहते हैं, जेई हो गए, ये सब बहुत सारा कर्मचारी रहते हैं, बहुत ऊँचा ऊँचा पोस्ट वाले। और जो उसमें ग्रुप डी के पोस्ट वाले रहते हैं वो असिस्टेंट के रूप में वहाँ पे वर्क करते हैं। तो उनका क्या काम रहता है, तो चलिए ये सब मैं आप सबको बताता हूँ। जो असिस्टेंट के रूप में वहाँ ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करते हैं वर्कशॉप में, तो उनका वर्क काम ये रहता है, जैसे बेल्डर हो गया, तो बेल्डर का काम है कि कोच उसमें जहाँ पे बेल्डिंग करने का रहता है, और सामान उमान उनके पास बहुत लोहे का सामान रहता है, भारी भरकम सामान रहता है, तो असिस्टेंट के रूम में जो जाते हैं ग्रुप डी से, तो उनका हेल्प करने के लिए, जैसे लोहे का सामान इधर उधर लाने ले जाने के लिए रहता है, तो उनका हेल्प करने का रहता है। जैसे टेक्नीशियन हो गया, तो टेक्नीशियन का काम रहता है इधर उधर चेक करने का, वायर हो गया चाहे कुछ भी हो गया, ये सब चेक करने का रहता है, तो उनके साथ रहना होता है, और उनका जो भी वो काम बताते हैं कि हाँ ये सामान लेके आइए, चाहे वो सामान वहाँ पे धर के आइए, तो जो वो बताते हैं वही असिस्टेंट को करना पड़ता है। जो ग्रुप डी में वहाँ पे ज्वाइनिंग करते हैं उनका वर्क यही सब रहता है। और वर्कशॉप में दोस्तों पेंटिंग का भी बहुत बड़ा काम रहता है, जैसे बोगी के ऊपर नेम प्लेट लिखना है, चाहे बोगी को कलर करना है, ये सब पेंटर का काम रहता है, और उसमें भी असिस्टेंट रहता है। तो जैसे जिस तरह से पेंटिंग करता है, चाहे सामान उमान इधर उधर ले जाता है, तो उनके साथ भी असिस्टेंट रहते हैं, ग्रुप डी के कर्मचारी रहते हैं। वर्कशॉप में दोस्तों ऑफिस का भी काम रहता है, जैसे कोई कागज़ इधर उधर लेके जाना है, चाहे ऑफिस का कुछ भी काम, कंप्यूटर वाला काम हो गया, चाहे कागज़ पत्र का काम हो गया, उसमें भी ऑफिस का भी काम रहता है। तो बहुत सारा जो वर्कशॉप है वो भी बहुत सारा बड़ा है, और उसमें बहुत सारा काम रहता है, ग्रुप डी का भी रहता है, और उसमें बहुत सारे कर्मचारी रहते हैं, उनका भी काम रहता है, तो सबका काम बटा हुआ रहता है। जैसे मैं इधर आप सबको बताया कि ट्रैकमैन को अलग काम करना पड़ता है, CNW को अलग काम करना पड़ता है, जो SNT रहता है उनको अलग काम करना पड़ता है, तो उसी तरह से वर्कशॉप हुआ, तो उसमें भी काम सबका बटा हुआ रहता है, किसको क्या काम करना है, किसके साथ काम करना है, ये सब पहले से बट जाता है, और वही हिसाब से सबको काम करना पड़ता है वर्कशॉप में। अब चलिए आप सबको बताते हैं कि वर्कशॉप में कितने घंटे का काम रहता है, कितने घंटे का ड्यूटी रहता है। तो वर्कशॉप में दोस्तों इसमें भी 8 घंटे का ड्यूटी रहता है, 3 शिफ्ट चलता है, जैसे हो गया सुबह 8 से 4, फिर 4 से फिर 12, 12 से फिर सुबह 8 बजे तक 3 शिफ्ट चलता है। और जो अटेंडेंस हुआ, हाजिरी, जिसको हाजिरी बोलते हैं कि हाजिरी कैसे लगता है, तो उसमें जैसे बहुत बड़ा फैक्ट्री जैसा बना हुआ रहता है, ऑफिस जैसा, तो जो भी कर्मचारी जाते हैं, जो टाइमिंग दिया हुआ रहता है कि सुबह में आपको आना है, तो सुबह में जो जाते हैं कर्मचारी जिनका शिफ्ट 8 से 4 है, तो सुबह में जाते हैं तो उनको थंब लगाना पड़ता है, एक जैसे आधार उधार कार्ड बनाने जाते हैं तो थंब लेता है कंप्यूटर से, तो उसी तरह से उनको भी थंब लगाना पड़ता है, फिर एंट्री हो जाता है कि हाँ ये कर्मचारी ड्यूटी पर आ गया है। हम सब जैसा नहीं है कि यहाँ पे जाते हैं पेटी पे जाते हैं तो वहाँ मुकदम हाजिरी भरता है, इस तरह से नहीं होता है। वर्कशॉप में जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे ग्रुप डी के हैं, चाहे टेक्नीशियन के हैं, चाहे जेई हो गए, कोई सा भी कर्मचारी है, तो उसमें थंब वाला वो लगता है, हाजिरी लगता है। जो जैसे आधार कार्ड में जाते हैं तो एक बॉक्स जैसा बना हुआ रहता है, उस पर थंब लगाने का रहता है, तो उसी तरह से उसमें हाजिरी लगता है। ये सब तो मेरे को भी मालूम नहीं था, ये सब एक माय फ्रेंड से पूछा हूँ, और उसी ने ये सब बताया कि वर्कशॉप में किस तरह से काम रहता है, और क्या क्या करना पड़ता है, और कितने घंटे का ड्यूटी रहता है,
एक मेरे गांव का ग्रुप डी में ही है, बर्ड शॉप में है, तो उसी से मैं बात किया था, तो उसी ने ये सब बताया, तो मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ और बता रहा हूँ। और बर्ड शॉप में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनको एक चीज़ नहीं मिलता, हाउस रेंट, जिसको HRA बोलते हैं, वो नहीं मिलता है उनको। प्राइवेट में रूम लेके रहना पड़ता है, और जैसे हम सबको ट्रैकमैन हो गया, चाहे और भी इसमें डिपार्टमेंट है, उनको हाउस रेंट मिलता है और रूम भी मिलता है रेलवे की तरफ से, लेकिन जो वर्कशॉप में काम करते हैं उनको रूम नहीं मिलता, उनको प्राइवेट रूम लेके रहना पड़ता है। वो भाई भी मेरे को बताया था, और इससे पहले भी मेरे को मालूम था, मालूम इसलिए था कि एक फार्म आया था ट्रैकमैन के लिए वर्कशॉप से, 3-4 साल हो गया जब ज्वाइनिंग किए थे, उससे 2-3 साल के बाद एक फार्म आया था वर्कशॉप से, यहाँ से आया था भूसावल जो वर्कशॉप है वहाँ से एक फार्म आया था ट्रैकमैन के लिए, कि जिन जो भी जितने भी ट्रैकमैन हैं उनका एज 34 से ज़्यादा है तो वर्कशॉप में आ सकते हैं। एक फार्म आया था वो भर के डिवीजन में जमा करने का था, और लगभग उसमें 200-300 सीट था, तो उस टाइम मेरा एज नहीं हुआ था, उस टाइम लगभग 30 साल हो रहा था, तो उस टाइम मैं भर नहीं पाया। और यहाँ से 2-3 लड़का का भी हुआ था वर्कशॉप में, और वो गया है यहाँ से ट्रैकमैन पोस्ट से वर्कशॉप में, तो ऐसा ऐसा फार्म निकलता रहता है सभी डिपार्टमेंट के लिए और ज़्यादातर ट्रैकमैन के लिए। सब लोग डरते रहते हैं कि ट्रैकमैन का वर्क बहुत हार्ड रहता है, बहुत मेहनत वाला काम रहता है, तो डरिए नहीं, जो भाई को ज्वाइनिंग करना है करिए, और इसमें बहुत सारा वैकेंसी निकलता रहता है, कभी वर्कशॉप का हो गया, कभी हो गया डिपार्टमेंटल हो गया, कभी GDC का हो गया, ये सब निकलता रहता है, तो आपका तैयारी है तो निकल सकते हैं। और जो वर्कशॉप का मैं आप सबको बता रहा हूँ, इसमें कम से कम 34 से ज़्यादा ही एज रहना चाहिए तभी होगा, और इधर 2-3 साल से अभी आया नहीं है, आने वाला है, तो अभी तो 34 हो गया है, 34 प्लस हो गया है, तो इस बार अगर आएगा तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। और वर्कशॉप में दोस्तों ज़्यादातर ऑफिशियल ही वर्क रहता है, और जैसे हम सब का वर्क रहता है धूप में चाहे ट्रैक पे, ये सब काम करने का रहता है, लेकिन जितने भी वर्कशॉप में कर्मचारी हैं ग्रुप डी के हो गए चाहे ग्रुप सी के हो गए, उनको धूप में काम नहीं करना पड़ता है, उनको जैसे एक फैक्ट्री देखे होंगे, फैक्ट्री टाइप का पूरा बड़ा सा बना हुआ रहता है हॉल जैसा, उसी में उनका काम रहता है और उसी में काम करना पड़ता है, और ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं रहता है उन, और उनका शिफ्ट बाय शिफ्ट चेंज भी होता रहता है, जैसे नाइट हो गया चाहे डे हो गया, जैसे मैं आप सबको बताया कि 3 शिफ्ट चलता है वर्कशॉप में, 8 से 4, फिर 4 से 12, फिर 12 से 8, 3 शिफ्ट चलता रहता है, तो उसमें नाइट भी बनता रहता है, और इसमें भी जितना भी ये ट्रैकमैन पोस्ट है इसमें भी नाइट बनता है, लेकिन हार्ड वर्क रहता है, तो टेंशन नहीं लीजिए, ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। और जिन भाई का असिस्टेंट वर्कशॉप में हुआ है, पोस्टिंग हुआ है, तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि हमको मिला है असिस्टेंट वर्कशॉप, चाहे RWF, ये सब पोस्टिंग अगर ये सब मिला है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, और आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और इसके बारे में जितना भी मेरे को जानकारी था और जितना भी मैं अपने फ्रेंड से पूछा था, और जो जो वो बताया वही सब मैं आप सबसे शेयर किया, क्योंकि इसके बारे में फुल नॉलेज मेरे को भी नहीं था, मैं उसी से पूछा तो वो मेरे को जिस तरह से बताया उसी तरह से मैं आप सबसे शेयर किया कि वर्कशॉप में किस तरह का काम रहता है और क्या क्या काम करना पड़ता है, कितने घंटे का काम रहता है, ठीक है, और हाजिरी किस तरह से लगता है, ये सब भी मैं आप सबको बताया, और फिर नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के बारे में बनाएं थोड़ा इसके बारे में भी हिंट करिएगा और बताइएगा। तो आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे, जब तक के लिए बाय दोस्तों और जय हिंद।